शहर के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में सनमाइका कारोबारी सौरभ साहू को गोली मारकर घायल करने वाले तीन में से दो अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया है। वहीं पुलिस वारदात में शामिल तीसरे अपराधी की तलाश कर रही है। उसे पकड़ने के लिए उसके संबंधित ठिकानों पर छापेमारी किया जा रहा है। डेली मार्केट थाना क्षेत्र के विष्णु गली में सनमाइका कारोबारी सौरभ साहू को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने के वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और हथियार भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने तीसरे साथी के नाम का भी खुलासा किया है। पुलिस उसे दबोचने के लिए उसके संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को कई अहम जानकारी भी दी है। बता दें कि इस वारदात में शामिल एक अपराधी हिंदपीरी लेक रोड का है, जबकि दूसरा चुटिया व लोअर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। देखिए, दिनांक 21/10/22 को डेली मार्केट थाना क्षेत्र स्थित विष्णु गली में एक प्लाईवुड दुकान में दो अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक व्यवसायी के ऊपर गोली चलाने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले के जाँच के लिए और शामिल अपराधियों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसको डीएसपी कोतवाली लीड कर रहे थे। और उस टीम के द्वारा इस घटना में शामिल तीन अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक की गिरफ्तारी बंगाल से कोलकाता से की गई है और अन्य दो की गिरफ्तारी रांची से की गई है। कुल मिलाकर के इसमें 8 अपराध कर्मियों के शामिल होने की बात अभी तक सामने आई है। शेष अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है और उम्मीद है कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। जब पूरे मामले की जांच की गई, अपराधियों से पूछताछ की गई, तो यही बात सामने आई है कि इसमें जो एक अमन कुमार गुड्डू नाम का व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है, इसके द्वारा दुकान मालिक को, जो प्लाईवुड सेंटर के मालिक थे, उनको बताया गया कि उनके पास एक स्कीम है जिसके द्वारा पैसा दोगुना किया जा सकता है। ये बात दुकान मालिक के द्वारा अपने एक अन्य व्यवसायी मित्र को बताई गई और उनके द्वारा उस दिन 13 लाख रुपए लेकर के आया गया कि इस स्कीम के द्वारा वो पैसा दोगुना किया जा सकता है। उसमें से दो अपराध कर्मी जो अन्य गिरफ्तार भी हुए हैं, अब्दुल नबी सैयद और अमन कुमार और गुड्डू, जो कनेक्टिंग पॉइंट था, ये दोनों उस दिन कस्टमर के रूप में आए थे और दोनों दुकान के अंदर मौजूद थे। और उसके बाद इनके द्वारा खबर की गई तो तीन व्यक्ति और बाइक पर आए, जिसका कि सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों को मिला है। तो उसमें जो व्यक्ति बाइक चला रहा था, चंदन दास नाम का व्यक्ति है, जिसकी गिरफ्तारी कलकत्ता से हुई है, उस व्यक्ति को भी से जब पूछताछ की गई तो जो बाइक और जो हेलमेट उसके द्वारा प्रयोग किया गया था, जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है, वो बाइक और हेलमेट दोनों ही बरामद कर लिया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है और जो इसके तीन मुख्य किरदार थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।